हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर थोड़ा सारे का स्वागत है मेरे चैनल जानकारी के देते। टुडेस टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज, बट टुडेस कॉन्सेप्ट्स इज लिटिल बिट मोर टेक्निकल। थोड़ा मुश्किल है भाई, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम कर देने टॉपिक जिन्हों के बारे थोड़े जानकारी साझी करा अज के इस जानकारी हित चैनल के उत्ते। अज की वीडियो के टॉपिक की है जिदे बारे असं गल करा, वो है साढ़े को विशेष रूप के बैड डेट्स रिकवर। इस तो इलावा एबनॉर्मल लॉस ड्यू टू थैफ्ट, बैड इज ड्यू टू फायर, ड्यू टू एक्सीडेंट, देयर मे बी द अदर कॉजिज ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड द लॉस ड्यू टू इंबेजलमेंट ऑफ कैश और गुड्स। तो अच्छे कुछ डिफरेंट जो इशू ने जो महसूस भी रहेंगे, आप इन्होंने बारे गल करा अज की वीडियो के। लेट्स मूव अहेड विद मी टू मेक आवर वे वेरी ईजी। यस डियर स्टूडेंट्स, जिवें मैं तुहानू पहला ही दस्सिया कि अज असी जिहड़ियां 14 वेरी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज करांगे अबाउट बैड डेट्स रिकवर्ड, एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय फायर, एम्बेजलमेंट ऑफ कैश और गुड्स। आओ उन्हां दे वल वधीए। अज दी एंट्रीज जो साडी अज दी वीडियो है उहनू देख के अपने अकाउंटेंसी दे रस्ते जिवें पहलां दस्सिया आसान बनाउण दे लई इक होर फॉर्मेट ऑफ जर्नल ये बारे डिटेल्स जा चुके हो। जिहड़ी एंट्रीज कर रहे हैं उत्थे मन्या जांदा कि इस टाइप के कॉन्सैप्ट तुहानू ऑलरेडी क्लीयर ने। जेकर किसी नू जर्नल का परफॉर्मेंस क्लीयर नहीं, यू कैन सी A9 वीडियो इज हेयर ऑन माई चैनल। तुम देख सकते हो मेरे चैनल के उत्ते A9 नाम का एक कॉन्सैप्ट है जिथे मैं जर्नल का डिटेल दस्या हुआ है कि वह फॉर्मेट की है तो उन्होंने किमें यूज़ करना है। नैक्सट वन, जे A9 देखोगे तो A5 A7 A8 यो वीडियोज़ ने जो तुहानू मेरे इस जानकारी चैनल के उत्ते। जेकर साढ़े मन के दो रूल्स ने, एक ट्रडिशनल मैथड है डबल एंट्री सिस्टम का जिस 3 टाइप के अकाउंट ने, परसनल, रियल एंड नॉमीनल, तो एक साड़ा मॉडर्न टेक्निक है इक्वेशन बेस्ड सिस्टम 5 टाइप के अकाउंट ने। जेकर इन्होंने मैथड्स के बारे डेबिट क्रैडिट किमें करना ये बारे डाउट्स है तो प्लीज़ मेरे चैनल के इस वीडियोज़ में जरूर देखो, जो A5 A7 and A8 ने डिटेल दे विच उत्थे इनफॉर्मेशन मिलेगी। तो आओ अज दी जो कॉन्सैप्ट है उहदे वल वधदे आं। हुण सब तो पहला साडा अज दा कॉन्सैप्ट है बैड डेट्स, बुरे डेट्स, डुब्या होया करजा, डुबे हुए पैसे। यस, बैड डेट्स। बैड डेट्स हुंदा की है? वैन अमाउंट ड्यू फ्रॉम एनी कस्टमर और डेटर्स बिकम इररिकवरेबल फुली और पार्शली इज नॉन एज बैड डेट्स और रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। यस, इहदा मतलब की है? जो किसी कस्टमर तो या साडे डेटर्स तो जिस तो असी पैसे लेने ने, वो अमाउंट है जिहड़ी, वो रकम है वो ना मिलन योग हो जाए, इररिकवरेबल टर्म मैंने यूज किया, इररिकवरेबल जिहड़ी रिकवर होने दे योग नहीं रही, हुण नहीं मिलने वाले, उन्होंने बुक्स के कदों तक शो करी जावे उस अमाउंट नूं जिहड़ा असी लेना सी, जिहड़ा साडा मर गया पैसा, डुब गया, उन्हों रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, उन्होंने बैड डेट्स लिख दिया जाता है, बुरा कर्ज, ताकि हिसाब किताब बिजनेस का सही ढंग अगे मूव हो सके। कदों तक असं उन्होंने एज ए डेटर दिखाई जावगा, इट इज़ अ लॉस टू बिजनेस, बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान है। कारण क्यों हो सकता है यह बैड डेट्स? दिस कैन हैपन ड्यू टू द डैथ, इनसॉल्वेंसी और डिसऑनेस्टी ऑफ आर कस्टमर और डेटर्स। यहाँ करके हो सकता है, भी हो सकता है साढ़े कस्टमर या डेटर की डैथ हो गई हो, डिसऑनेस्टी वो मन च बेईमानी पैदा हो गई हो, या इनसॉल्वेंसी। इनसॉल्वेंसी की है ये बारे डिटेल्स तुसी अगे भी पढ़ोगे, फिर भी मैं ब्रीफ दसदा। जो भी किसी व्यक्ति दियाँ एसेट्स उस दियाँ लाइबिलिटीज़ तो घट जांदियां ने, दैन दैट परसन कैन मूव टू कोर्ट, कोर्ट नूं कह सकदा कि मैनू इनसॉल्वेंट करार दे दो, फिर कोर्ट अपना एक प्रतिनिधि भेजदा है जिहड़ी उहदी एसेट्स ते लाइबिलिटी की वैल्यूएशन करदा है, तो उस हालत के देखा जाता है उसकी एसेट्स कितनी ने, लाइबिलिटीज़ कितनी ने, फिर कोर्ट उस व्यक्ति को जेकर लगता है सही कह रहा है, उसकी वैल्यूएशन करके देखी जाती है, तो उस व्यक्ति को इनसॉल्वेंट करार दे देती है। इनसॉल्वेंट करार होने पर वह व्यक्ति जा जिन्नी उसकी प्रॉपर्टी है उसके विचों प्रपोर्शनली अनुपातक ढंग के नाल वेचण तो बाद जो पैसा आता है अनुपातक ढंग के नाल उन्होंने लोगों च वंड दिता जाता है जिन्हों का पैसा देना है। इज इट क्लीयर? मतलब दोबारा समझ गए इस गल्ल नूं? आओ आपां इहदे बारे अगे भी डिटेल च गल करांगे इनसॉल्वेंसी दे बारे आने वाली वीडियोज़ दे विच। आपां एग्जाम्पल देखते हैं। हुण मिस्टर पी हू इज़ अ डेटर,
Mr. P.F. business a debtor with rupees 5000. 5000 the debtor see became insolvent. Diwaliya ho gaya vi. Ede layi word Punjabi ch diwaliya use karde ne insolvent. Yes, ek purani kahani hai. Jadon diwali da time hunda si jede lokan di halat eho ji ho jandi si oh ki karde si apne ghar ch diwali nahi manande si. Te us halat de vich apne ghar de vich pura nera karke lok diwali mana rahe hunde chadar vich aake beh jande te lok mann lende si ohnu. दिवाली है उस टाइम एक कोर्ट वाले प्रोसेस नहीं होंदे सी एंड नथिंग रिकवर्ड फ्रॉम हिम इंसॉल्वेंट हो गया ते ट्रांजैक्शन दे विच एंड नथिंग रिकवर्ड फ्रॉम हिम उस तो सानू कुछ भी नहीं मिलिया सारे पैसे मर गए मिस्टर पी बिजनेस दा डेटर है तब पता है बैड डेट्स बिजनेस दा लॉस है नॉमिनल अकाउंट सारे लॉस की होंदे ने डेबिट इस करके बैड डेट्स अकाउंट की हो गया डेबिट दूसरा मिस्टर पी हु इज द गिवर ऑफ दिस लॉस यस लॉस देने वाला है सानू झटका देने वाला जेकर परसनल अकाउंट दे पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो गिवर मिस्टर पी का अकाउंट असी की करता क्रेडिट करता सेकंड एक होर भी चीज़ देखी जा सकती है मिस्टर पी साडा डेटर सी पी इज नो मोर डेटर हुण साडा डेटर नहीं हैगा उन्हूं खत्म किया जा सकता है उन्हूं सेम अमाउंट दे नाल की करता क्रेडिट यू कैन थिंक अबाउट दिस इन दिस वे आलसो 5000 नाल असी उन्हूं क्रेडिट करता 5000 ही तो उस तो लेने वाले सी इस तो बाद भी सानू उस तो पैसे नहीं मिलेंगे दैट इज बैड डेट्स साडे पैसे मर गए जे ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਡੈਟਰ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਈਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਨ ਮੋਰ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਸਟ ਵੈਨ ਪਾਰਸ਼ਲ ਅਮਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵਡ ਮੰਨ ਲਓ ਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਜੇ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੇਚੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਾਗ ਗਈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਉ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਸੀ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਏ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਮੰਨ ਲਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ ਮਮਤਾ ਹੂ ਔਡ ਰੁਪੀਸ 20,000 ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਮਮਤਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੀ 20,000 ਦੀ ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਨਲੀ 20 ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਰੁਪੀਸ ਰਿਸੀਵਡ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤਾਂ 20 ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ 1/5 ਅਮਾਊਂਟ ਮਿਲਿਆ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ 20 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋ 1 ਰੁਪਏ 'ਚ 100 ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 20/100 ਯੈਸ ਤਾਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਡਿਊ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 20,000 ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਜਿਵੇਂ ਰਫ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ 10th ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੁਛ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਰਿਸੀਵਡ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿੰਨਾ 20 ਪੈਸੇ 20,000 ਦਾ 20 ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ 4,000 4,000 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਬਾਕੀ 16,000 ਮਰ ਗਏ ਡੁੱਬ ਗਏ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਸੋ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 20,000 ਮਾਈਨਸ 4,000 ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਾਕੀ 16,000 ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ ਡੈਬਿਟ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਬਿਟ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਲੋਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਸਿਸ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੈਬਿਟ ਯੈਸ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਵਰ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੀਕ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਸੋਚੋ ਮਮਤਾ ਸਾਡੀ ਡੈਟਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਲੀਅਰ ਆਓ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ ਸੂਰਜ ਹੂ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਓਨਲੀ 70% ਰਿਸੀਵਡ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਸਟੇਟ ਆਫ ਟੋਟਲ ਡਿਊ 7,000 ਓ ਸੂਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 70% ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚੋਂ 70% ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਜਸਟ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਡਿਊ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 7,000 ਅਸੀਂ 7,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਸੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਡਿਊ 7,000 ਹੈ ਰਿਸੀਵਡ ਐਜ ਕੈਸ਼ 70% 7,000 ਦਾ 70% 4,949 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਵੀ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 7,000 ਤੋਂ ਅਸੀਂ 4,900 ਜੋ ਕੈਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਇਜ 2100 ਔਰ 2100 ਐਂਟਰੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕੈਸ਼ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਲੋਸ ਹੈ ਲੋਸ ਡੈਬਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਇਜ਼ ਦਾ ਗਿਵਰ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੀਇੰਗ 70% ਰਿਸੀਵਡ ਫਰੋਮ ਸੂਰਜ ਆਫ ਟੋਟਲ ਡਿਊ ਰੁਪੀਜ਼ 7,000 ਡਿਊ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਉਹਦੀ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ 700 ਡਿਊ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਮਿਲਿਆ ਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਸ ਕੋਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਰਿਕਵਰ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਰਿਕਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਸ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਰ
या बाद चो कोई होर प्रॉपर्टी मिलेगी जो मन च ईमानदारी जागी उन्हें कुछ पैसे सानू देते या सारे देते। असी एक एग्जाम्पल की पी वाली 2 मिनट पहले उन्हें 5,000 साढ़े बैड डेट्स हो गए थे, 5 दे 5,000 उन्हें सानू वापिस देते, असी उन्होंने बैड डेट्स मान लिया सी। बई ये तो प्रॉफिट हो गया बिजनेस में, बिजनेस पहले उन्होंने लॉस मान चुका सी, उसका अकाउंट क्लोज करता सी, उदो 5,000 आ गए तो उसका परसनल अकाउंट नहीं इफेक्ट होने वाला क्योंकि उन्होंने असी बैड डेट्स रिकवर्ड के शिफ्ट करांगे एज अ प्रॉफिट। यस, ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम पी अगेंस्ट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। ट्रांजैक्शन यह है 5,000 सानू मिले मिस्टर पी तो क्योंकि असी उन्होंने पहला बैड डेट्स कर चुके सी। बिजनेस च कैश आ गया, व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, 2 bad debts रिकवर्ड अकाउंट, एक नवा अकाउंट है जेकर बैड डेट्स किए हुए सानू वापिस मिल जाए जिन्होंने असी बैड डेट्स राइट ऑफ करता सी, तां उस हालत दे विच विटे ध्यान रखो इस गल नू, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट एज आ बिजनेस का प्रॉफिट जां इनकम दे रूप च आएगा। वो सारे हमेशा की होंगे ने क्रैडिट, तो 5,000 नाल क्रैडिट किया नरेशन की होगी बीइंग बैड डेट्स ₹5,000 रिकवर्ड। आई थिंक द कॉन्सैप्ट इज़ क्लीयर, ये उदो है जेकर साढ़े बैड डेट्स रिकवर हो जाए। नैक्सट वन एक होर एग्जाम्पल देखते हैं, बैड डेट्स हुंदा की है मैं तुम दस चुके हैं पहले, इट मे बी द केस, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट मे बी द केस द आफ्टर सम टाइम एनी पेमेंट इज रिसीव्ड आउट ऑफ द अमाउंट विच हैज अर्लीयर डिक्लेयर्ड एज बैड डेट्स। सेम गल उही मैं दोहरा रहा दोबारा फिर पक्का करन दे लई, ਇਹ ਉਹ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਰਿਕਵਰਡ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ₹2,000 ਰਿਸੀਵਡ ਫਰੋਮ ਮਮਤਾ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਰਿਟਨ ਆਫ ਐਜ ਬੈਡ ਡੈਟ 16,000। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ 16,000, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਕਰਤੇ ਸੀ, 16,000 'ਚੋਂ 2,000 ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, that is bad debts recovered because we have already write off him as bad debts। as you know 16,000 naal bad debts kar chuke han, ohde vichon 2,000 recover ho rahe ne, entry ki ban gayi, main samjha chuke han cash aa raha hai business cash account debit, 2 bad debts recovered business di income hai, nominal accounts income naal related sare account ki hunde ne credit being bad debts recovered। eh dhyan rakhyo bad debts recovered case de vich kade vi personal account nahi aayega kyunki assi personal account nu bad debts de vich कन्वर्ट करके उत्थे असी लॉस दिखा चुके हैं, दैट इज इनकम। इज इट क्लीयर? नैक्सट वन एक होर बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री आज दी, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का मतलब साधारण बिजनेस के नुकसान हो सकते हैं, एबनॉर्मल असाधारण नुकसान विच वी हैवंट प्रडिक्टड, जिंद पहला कोई प्रडिक्शन नहीं सी, हो गया भी नुकसान, लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू एक्सीडेंट, फायर, थैप्ट, किसी भी कारण करके नुकसान हो गया। तुहानू पता है जदों बिजनेसमैन बिजनेस चलांदा है वह अपने बिजनेस का, बिजनेस दीआं गुड्स का जिहड़ियां रस्ते जा रही ने उन्हां दा, जिहड़ी गड़ाउन च पईआं ने उन्हां दा इंश्योरेंस करवांदा है, इंश्योरेंस की किस्त पे करता है। जेकर उहदा नुकसान हो जाए इंश्योरेंस कंपनी उस नुकसान नूं एवैल्यूएट करती है, एवैल्यूएट करके जेकर कुछ पैसा लगता है कि इहदा नुकसान होया जिन्ना कि इंश्योरेंस चोरी हो गई, यह सारे एबनॉर्मल लॉस ने। तो असी पहला केस लेके चलते इफ नो इंश्योरेंस क्लेम, असी इंश्योरेंस कराया ही नहीं, मान लो या इंश्योरेंस कंपनी ने दिता नहीं, उन्हें मने ही नहीं, तो जानबूझ के किया, यहोजा भी होंगे भी फ्रॉड करते हैं बहुत सारे लोग, आप उधर नहीं जाते। आप केस देखते हैं इफ नो इंश्योरेंस क्लेम, लॉस वाई फायर, थैप्ट और एक्सीडेंट, जिहड़ा भी कारण होया सी वो लिखना ही नहीं कि तीनों लिखने ने, फायर, थैप्ट, एक्सीडेंट या कोई होर भी रीजन हो सकता है, फ्लड हो सकता है। लॉस वाय फायर अकाउंट डेबिट, आप मान लेते मान लो अग करके नुकसान हुआ, लॉस वाय फायर अकाउंट डेबिट, टू परचेज अकाउंट, ये ध्यान रखो परचेज क्यों किया, क्योंकि गुड्स का लॉस होया है, साड़ियाँ गुड्स, गुड्स जो बिजनेस परचेज किए जाने उन्होंने डेबिट कर दें, सेल तो हो ही नहीं पर उन्नी अमाउंट दियाँ गुड्स बिजनेस चो चली गई, बिजनेस खो बैठा उन्होंने गुड्स में, तो साड़ी उन्नी परचेज की वैल्यूएशन घट गई। परचेज उदो डेबिट हों जो गुड्स आदि ने परचेज की जाने, तो फिर सानू उन्नी वैल्यूएशन परचेज में क्रैडिट करना पेगा टू सैटल। तो एक मैं ध्यान देखो एक लिखा ट्रेडिंग अकाउंट, ये बारे शायद हजे दसना ठीक नहीं, फाइनल अकाउंट टाइम दसांगे। ट्रेडिंग अकाउंट के परचेज के माइनस कर देंगे ने यहोजे लॉसिज न, पर आप हजे फिलहाल टू परचेज अकाउंट ही लिखा, जेकर साड़िया गुड्स किसी एबनॉर्मल लॉस कारण लॉस्ट होंगे ने, खत्म होंगे ने, तो साड़ा सारा नुकसान हो गया जी। सैकेंड केस देखिए, मान लो असी इंश्योरेंस करवाया, नो नू कट देने, इफ इंश्योरेंस क्लेम इज देयर
एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड सम क्लेम, तो इंश्योरेंस कंपनी ने मान लिया भी थोड़ा जा क्लेम दे देंगे, मान लो 10,000 का नुकसान हो या इंश्योरेंस कंपनी कहती 8,000 दे देंगे, 2,000 का नुकसान तो फिर भी रह गया। योजे केसिस के असी जर्नल एंट्रीज किमें करते हैं आओ देखिए। सब तो पहला इंश्योरेंस कंपनी ने जिन्ना क्लेम एडमिट कर लेंदी है कि असी इन्ने अमाउंट पे कर देंगे साढ़े लॉस के विचों, क्योंकि असी इंश्योरेंस कराया है तो इंश्योरेंस कंपनी तो उन्ने पैसे लेन वाले बन जाते हैं। एक तरह का साड़ी डेटर्स की जिम्मे कंडीशन होंगी है उस तरह की बन जाती है, इंश्योरेंस कंपनी साड़ी डेटर बन गई उस जिन्ना उन्हें क्लेम एडमिट कर लिया, समझ लग्या। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट जिन्ना क्लेम एडमिट किया उन्ने अमाउंट नाल, ते जिन्ना भी नहीं क्लेम एडमिट किया 10,000 चो 8,000 मनिया सी, मान लो 2,000 लॉस हो गया तो वह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होएगा, दैट इज़ अ लॉस, ये लॉस हो चुका है, जान ध्यान रखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो टोटल उही लॉस बाय फायर ये कदों होंगे ध्यान नाल सोचो। सब तो पहला तो बड़े ध्यान नाल सुनो, पहला तो जो लॉस होएगा असी यही एंट्री दिखावांगे, ये वाली जो मैं पहला दिखाई सी येलो दे विच, देखो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, कोई भी केस टू परचेज अकाउंट, मान लो 10,000 की एंट्री सी, उस तो बाद इंश्योरेंस कंपनी ने 8,000 का क्लेम मान लिया, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 8,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जरा नुकसान हो गया 2,000, तो लॉस वाय फायर जरा 10,000 डेबिट किया, 10,000 क्रैडिट करके इस अकाउंट में क्लोज कर देंगे, दैट इज़ द प्रोसीजर। नैक्सट मान लो आने वाले टाइम के इंश्योरेंस कंपनी वो क्लेम दे देती है सानू, उस टाइम दे देती है या बाद देती है, तो एंट्री की होंगी है कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी साड़ी डेटर सी हूँ उदों, और इस टाइम इंश्योरेंस कंपनी ने सानू पेमेंट की है, परसनल अकाउंट है, गिवर है, तो इनू क्रेडिट कर देंगे, कैश बिजनेस चाह रहा कैश नू की कर देंगे डेबिट। बट अजकल तुहानू पता इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम ज़्यादातर चैक नाल दिंदियां ने, जे चैक नाल पेमेंट हो रही है डायरैक्टली साड़ी ऑनलाइन साढ़े बैंक दे विच ट्रांजैक्शन जा रही है तो बैंक अकाउंट नू की कर देंगे डेबिट। आने वाले टाइम देखियो बुक्स के भी चेंज होया करेगा, इंश्योरेंस कंपनी डिपोजिट ऑनलाइन पेमेंट ना और बैंक अकाउंट यह ट्रांजैक्शन भी हो सकती ने, फिर कैश नहीं भी उत्थे फिर बैंक अकाउंट डेबिट होएगा, बैंक इज़ द रिसीवर एज ए परसनल अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी इज़ द गिवर क्लीयर एज अ परसनल अकाउंट। ये उदों होएगा जो इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम मिल जाएगा, जेकर वो शुरू ही पेमेंट कर देती है तो असं स्टार्टिंग भी ये एंट्री कर सकते हैं। क्लीयर, वेरी इंपॉर्टेंट, इनू ध्यान नाल देखो भी गल। नैक्सट वन एक नॉर्मल लॉस की आप होर एंट्री देखते हैं, गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट और फायर 550,000, 50,000 दी गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। पहले आप इनू देखिए एग्जाम्पल में, तो कि साड़ी जी पिछे मैं जर्नल एंट्रीज दसियां ने लॉस दियाँ नॉर्मल लॉस दियाँ असी पक्का कर सकी। लॉस वाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, लॉस हो गया जी, ये एंट्री मैं पहला भी दसिया लॉस हो चुका 50,000 नुकसान हो गया, टू परचेज अकाउंट साड़ियाँ गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, गुड्स नू क्रेडिट करता। नैक्सट गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट फायर 50,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम 20,000, इंश्योर मान लो ए एंट्री की थान के उत्ते ए ना होंगी, ए एंट्री होंगी इस जगह के उत्ते, दिस वन गुड्स डिस्ट्रॉय हुई 50,000 दी भी इतने भी हुई सी, बट इतने इंश्योरेंस क्लेम नहीं सी जा इंश्योर्ड है ही नहीं सी, इतने इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया 20,000 का। सब तो पहला पहली एंट्री का सी एज इट इज़ पावे लॉस वाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 50,000 50,000, हूँ जो उन्हें क्लेम एडमिट किया तो एंट्री की होगी उस चीज़ की इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि 20,000 का क्लेम एडमिट किया वो साड़ी डेटर बन गई एक तरह की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट यो लॉस है जोड़ा सूँ कितों नहीं मिलने वाला, बिजनेस में उस नुकसान का सामना करना पै रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट दैट इज़ लॉस, लॉस हमेशा डेबिट होंगे ने 30,000, लॉस वाय फायर अकाउंट जोड़ा डेबिट किया असी की कर देंगे क्रैडिट 50,000 के नाल, 50,000 डेबिट 50,000 क्रैडिट, ड्यूल आसपैक्ट कॉन्सैप्ट ये समझ ला गया। तो मान लो बाद इंश्योरेंस कंपनी ने सानू पैसे देते, किन्ने पैसे देने से 20,000, इस एंट्री देखो 20,000 सानू मिलने से, इंश्योरेंस कंपनी सारी डेटर से, तो जेकर इंश्योरेंस कंपनी सानू जो पेमेंट करती है तो उस हालत एंट्री होंगी है कैश अकाउंट डेबिट, जे कैश पेमेंट की है जे बैंक जारी है तो असं इतने बैंक अकाउंट डेबिट कर दे, इंश्योरेंस कंपनीज का गिवर इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट करता। आओ एक नवी एंट्री, घोटाला घोटाला घोटाला, साढ़े हिंदुस्तान के दुनिया के बहुत सारे देशों के बिजनेसमैन या दूसरे लोग कई बार बिजनेस के सारे वधिया लोगों को भी बदनाम कर देने घोटाले कर लेंगे ने, कई बार कैश घोटाला हो जाता है, कई बार गुड्स का घोटाला भी हो जाता है। आओ इस कॉन्सैप्ट समझते हैं, आप एम्बेजलमेंट होंगे घोटाला, नगद भी हो सकता है उस समान का भी हो सकता है, सो द हैडिंग इज एम्बेजलमेंट ऑफ कैश और गुड्स।
ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਦੇਖੀ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਜੇਕਰ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਸ ਵਾਏ ਇੰਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਜਿਵੇਂ ਲੋਸ ਵਾਏ ਫਾਇਰ ਸੀ ਲੋਸ ਵਾਏ ਇੰਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਇੰਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਧੋਖਾ ਫਰੋਡ ਲੋਸ ਵਾਏ ਇੰਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁੱਡਸ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੰਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੇਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਪਰੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਇੰਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਤਾਂ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੁੱਡਸ ਆਊਟ ਗੋਇੰਗ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਸਟੋਲਨ ਸਟੋਲਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਥੈਫਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਸ ਵਾਏ ਇੰਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਸ ਵਾਏ ਥੈਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਬਟ ਕੈਸ਼ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੋਸ ਵਾਏ ਇੰਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀ ਲੋਸ ਹੈ ਲੋਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਬਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਗੋਇੰਗ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਗਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਸਿਟ ਹੈ ਐਸਿਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕੈਸ਼ ਗੋਇੰਗ ਆਊਟ ਟ੍ਰਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਇਫ ਬਹੁਤ ਕੈਸ਼ ਐਜ ਵੈਲ ਐਜ ਗੁੱਡਸ ਦੈਨ ਐਡ ਬਹੁਤ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਗੁੱਡਸ ਦੋਨੋਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਲੋਸ ਵਾਏ ਇੰਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲੋਸ ਵਾਏ ਇੰਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਲੀਅਰ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਇੰਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਗੁੱਡਸ ਵਰਥ ਰੁਪੀਜ਼ 4,500 ਸਟੋਲਨ ਫਰੋਮ ਸਟੋਰ ਐਜ਼ ਇੰਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਗੁੱਡਸ ਸਟੋਰ 'ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈਸੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਸ ਵਾਇਆ ਸੀ ਥੈਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਸ ਵਾਇਆ ਇੰਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਕਲੀਅਰ 4,500 ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਜੇ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਇੰਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸਟੋਲਨ ਇੰਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕੈਸ਼ ਰੁਪੀਜ਼ 3,000 ਫਾਊਂਡ ਟੂ ਵੀ ਲੈਸ ਔਰ ਇੰਬੈਜ਼ਲਡ ਬਾਏ ਦਾ ਇੰਪਲਾਈ ਇਨ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆਫਿਸ 3,000 ਕੈਸ਼ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਧੋਖਾ ਕਰਤਾ ਫਰੋਡ ਕਰਤਾ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਲੋਸ ਵਾਏ ਇੰਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਈ ਕੈਸ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਈ ਲੋਸ ਵਾਏ ਇੰਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਟਰੀ ਵਿਲ ਵੀ ਲੋਸ ਵਾਏ ਇੰਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਜੇ ਇੱਕੋ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਲੋਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 7,500 ਦਾ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਗੁੱਡਸ ਸੀ 4,500 ਦੀਆਂ ਅਤੇ 3,000 ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਲੀਅਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਕਨਕਲੂਸਿਵ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਫਟਾਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁੱਡਸ ਟਾਈਮ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗੁੱਡਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਬਾਏ ਫਲੱਡ ਰੁਪੀਜ਼ 4,000 ਫਲੱਡ ਦੁਆਰਾ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਸ ਬਾਏ ਫਲੱਡ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕੰਮ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਡਸ ਆਊਟ ਗੋਇੰਗ ਗੁੱਡਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਗਈ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਲੋਸ ਬਾਏ ਫਲੱਡ ਲੋਸ ਬਾਏ ਫਾਇਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਗੁੱਡਸ ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਬਾਏ ਫਾਇਰ ਰੁਪੀਜ਼ 3,000 ਐਂਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਐਡਮਿਟਡ ਕਲੇਮ 2,000 ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2,000 ਦਾ ਕਲੇਮ ਮੰਨਿਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ 2,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਹੋ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਬਣੀ ਲੋਸ ਵਾਏ ਫਾਇਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ 3,000 ਦਾ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਗੁੱਡਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਈਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2,000 ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਨੈੱਟ ਲੋਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 1,000 ਦਾ ਲੋਸ ਵਾਏ ਫਾਇਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਡਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਪੇਡ ਅਬਵ ਕਲੇਮ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਕਲੇਮ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 2,000 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਯੈਸ ਟੇਕ ਇਟ 2,000 ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੈਂ 3,000 ਲਿਖਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ 2,000 ਨਾਲ ਡੈਟਰ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਪੇਡ ਅਬਵ ਕਲੇਮ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸਡ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟਸ ਇਨ ਟੂਡੇਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਇਨ ਵੈਰੀ ਡਿਟੇਲਡ ਮੈਨਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆਰ ਕਲੀਅਰ If you have any concern, please give your comment in the given comment box. I will try to answer you there. ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਰੀਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸਡ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟ ਦੈਮ ਇਨ ਜਰਨਲ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਰਿਕਵਰਡ
in detail with proper examples we have discussed these concepts. Then in detail I have explained you in very simple way about the abnormal loss due to fire and other many reasons. And one case we have also discussed in today's video is about embezzlement of cash or goods. 14th video se 14th video 14 entries dhyan naal inna nu dekhe ede naal rasta aasan banega is ummeed de naal badi jaldi tode naal ek nava video itthe leke aan wala hai intezar karo tad tak thank you very much.